नमस्ते, मैं सोनाली मिश्रा। मैं मूलतः लेखिका हूँ और वैसे भी लेखिका हूँ। दरअसल ऐसा लगता है ना कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या आपका जन्म किस लिए हुआ, क्या करने के लिए हुआ। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा जो जन्म है कम से कम दिन भर रोटी पकाने के लिए तो नहीं हुआ। वैसे मैं बहुत सुंदर रोटी पकाती हूँ, बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ, बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हूँ और खाना पकाते पकाते अपना लेखन का भी कार्य करती हूँ। सहायिका है मेरे पास, तो कभी वो पकाती हैं, कभी मैं पकाती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि क्या मेरे कोई अपनी एक स्वतंत्र पहचान नहीं होगी, क्या मेरी अपनी ऐसी कोई पहचान नहीं होगी कि जब मैं मरूं तो लोग बोलें कि अच्छा ये एक थी ऐसी कोई महिला जो चली गई। मुझे हमेशा गुमनाम मृत्यु से बहुत डर लगा, और गुमनाम मृत्यु से क्यों डर लगा ये मैं कभी इस चीज को समझ नहीं पाती थी। छोटी थी, छोटे से ही हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं भाई, गुमनाम नहीं मरना, गुमनाम नहीं मरना, कुछ ऐसा करके मरना है कि लोग जाने समझें। अब लोग कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, ये नहीं समझ आता था। मैं जिस परिवार से हूँ, उस परिवार में हम लोग क्या पढ़ाई लिखाई, लड़की की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और बहुत प्रयास किए जाते थे कि लड़की कम से कम सरकारी नौकरी में जाए, जिससे कि उसका एक अलग रुतबा हो। और मुझे मेरे घर वाले मेरे लिए भी यही प्रयास करते थे कि कम से कम सरकारी टीचर तो हो जाओ। और मुझे हमेशा से टीचर बनने से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मैं टीचर बनने के लिए बनी ही नहीं हूँ, तो फिर क्या। अब इस क्या का जो प्रश्न था वह एक जो एक छोटी बच्ची के सामने था, वही 30 साल के बाद भी मेरे सामने था। उसके बाद क्या, खैर जिंदगी है, धीरे धीरे मुझे जिस दिशा में लेकर आई उस दिशा में आज मैं सबके सामने हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आज लोग मेरे लिखने की प्रशंसा करते हैं शिवाजी जैसा। और मेरे जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया जब मैंने शिवाजी जैसे महानायक को अपने कलम अपने शब्दों में कलमबद्ध किया। और यह एक बहुत एक जिसे हम कह सकते हैं मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे बदल कर रख दिया, मेरे पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया शिवाजी। कई कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर आपने शिवाजी क्यों लिखा, तो शिवाजी माने शिवाजी महानायक, शिवाजी उपन्यास क्यों लिखा। तो उसके पीछे भी कई कई बार मैं सोचती थी कि मैंने महानायक शिवाजी क्यों लिख दिया, किस लिए लिख दिया, बच्चों के लिए। और वास्तव में क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरी बेटी या मेरा बेटा जब मैं शिवाजी लिख रही थी, शिवाजी महानायक शिवाजी का उपन्यास लिख रही थी, तो मेरे बच्चे बीच बीच में आकर मुझसे पूछते थे, माँ अब आप क्या कौन सा प्रसंग कर रही हैं, अब आप क्या कर रही हैं। तो मुझे अच्छा लगता था। और महानायक शिवाजी ही मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए ऐसे महापुरुषों की जो जीवनियां हैं, ऐसे महापुरुषों की जो कहानियां हैं, वो बहुत सरल भाषा में, बहुत अच्छी भाषा में सामने आनी चाहिए, जिनके कुछ अपने जीवन के वैल्यूज थे, जिनके कुछ अपने जीवन के मूल्य थे और जो हमारे बच्चों को दरअसल पता होने चाहिए। क्योंकि हर युग का कोई ना कोई महापुरुष होता है, और कोई ना कोई नहीं, हर युग में बहुत सारे महापुरुष होते हैं। जब शिवाजी थे तो शिवाजी के समय में भी बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में जब शिवाजी की जो भी कहानियां आई हैं वो या तो अनुवादित होकर आई हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि एकदम ऐसी है जिससे कि बच्चा जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर बहुत डिटेल्ड में नहीं है। हमारे शिवाजी और जीजाबाई जी के जीवन के जो बहुत सारे अनछुए प्रसंग हैं वो भी हम लोग के बच्चों को नहीं पता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिवाजी जिस प्रकार से अपने पुत्र और अपने जो कुछ उनके सेना नायक थे उनके साथ उनके सहयोग से जो औरंगजेब की जेल से भागे थे, औरंगजेब की जो जेल नहीं, औरंगजेब की जो कैद से जो सफलतापूर्वक निकल गए थे, उसको मैं भागना नहीं कहूंगी, वो सफलतापूर्वक निकल गए थे। और इसको हम दूसरे शब्द में कहें तो वो एक अपने अस्तित्व के संघर्ष को वो जैसे ना जीत गए थे। उन्होंने एक ऐसे असंभव कार्य को संभव कर दिया था जो सहज रूप से करना संभव था ही नहीं, क्योंकि
उस समय पे औरंगज़ेब की जो सेना थी वो बहुत बड़ी सेना थी, औरंगज़ेब की गुप्तचर व्यवस्था भी सुनते हैं बहुत अच्छी थी, शासन प्रशासन सब पर उनका एक अंकुश हुआ करता था औरंगज़ेब का। तो ऐसे में शिवाजी का वहाँ से निकल जाना अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि थी जो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के सामने आनी चाहिए, बच्चों को पता लगना चाहिए कि योजना बनाकर, मतलब जब आपके सामने मृत्यु भी एकदम साक्षात खड़ी हो तब भी आपको, अगर आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है, यदि आपके अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है तो आपको अपने तो आपको बड़े से बड़े संकट में कैसे धैर्य का परिचय देते हुए, कैसे पेशेंस का परिचय देते हुए आपको उन सारी बाधाओं से पार निकलना है। और हालांकि हम लोग के इतिहास में शिवाजी हमारे महानायक शिवाजी का चैप्टर आता है, लेकिन वो चैप्टर इतना ज़्यादा इतना ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतने उनके मानवीय गुणों से और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके, बच्चा अपने आप को जोड़ सके। मैं चाहती थी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वह यह देखे कि जीजाबाई, चूँकि हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग हम सभी जानते भी हैं कि शिवाजी को शिवाजी बनाने में, शिवा नंदी शिवा को शिवाजी बनाने में जीजाबाई का कितना बड़ा योगदान था, जीजाबाई अर्थात उनकी माँ। तो शिवाजी ने शिवाजी कैसे कितना अपनी माँ का आदर करते थे, एक बच्चे के रूप में शिवाजी अपनी माँ से कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह करते थे, माँ उनसे कितना स्नेह करती थी, माँ उनसे कितना लाड़ जताती थी। तो एक छोटी छोटी कहानियाँ थी जो मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के सामने आनी चाहिए, कैसे जीजाबाई जो रानी होते हुए भी कैसे अपने पुत्र के लिए समय निकालती थी, कैसे अपने पुत्र को एक सपना संजोती थी कि नहीं आपको अपना एक साम्राज्य स्थापित करना ही है। और पुत्र भी बिना किसी नानू करके एकदम से लगते थे कि हाँ मुझे अपनी माँ का स्वप्न पूरा करना है। एक ऐसा था कि जैसे पुत्र ने अपनी माँ का स्वप्न जो अंगीकार कर दिया हो। तो एक मातृभक्ति की, शिवाजी मातृभक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं चाहती थी कि हमारे बच्चों के सामने मातृभक्ति का भी एक उदाहरण बच्चे समझे कि माँ जो बोलती हैं उनके कहने के पीछे हमेशा कोई ना कोई एक कारण होता है। वो कारण हो सकता है कि हमको बचपन में ना पता चले, परंतु बाद में जाकर हमें पता चलता ही है कि हमारी माँ हमसे क्या चाहती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। और माँ जो सपना देखती है वो कहीं ना, माँ जो सपना हमारी आँखों में देखना हमारी आँखों में भरती है, उस सपने में माँ भी पूरा प्रयास करती है कि बेटा हमारा या बेटी हमारी इस सपने को हासिल करे, इस उपलब्धि को अचीव करे। तो एक ऐसी कहानी मुझे ऐसा लगता था कि आदर्श बनाकर अब बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए, और जो कि हिस्ट्री के एक दो चैप्टर से संभव नहीं था और संभव हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें बच्चा एक सिलेबस की तरीके से, कोर्स पाठ्यक्रम की तरीके से पढ़ता है। बच्चे को लगता है अच्छा एक शिवाजी थे जिनको इतिहासकार किसी न किसी नाम से पुकारते थे, उन्होंने औरंगज़ेब के साथ लोहा लिया और ऐसा ऐसा, और दक्षिण में दक्षिण की एक अच्छी प्रमुख शक्ति थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक उनका उनके उनके जीवन की जो कहानियाँ हैं, उनके जीवन की जो छोटी छोटी बातें हैं, उन्होंने अपनी माँ साहब के साथ वो कैसे व्यवहार करते थे, जयसिंह के साथ उनका व्यवहार कैसा था, और औरंगज़ेब उनके विषय में क्या सोचता था, कैसे वो जब देख रहे थे वो एकदम निराश तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कैसे योजना बनाई होगी कि यहाँ आगरा की जेल से वापस हमको भाग जाना है, वापस हमको भाग नहीं जाना, ये सुरक्षित निकल कर जाना है और अपनी माँ से मिलना है क्योंकि मेरा अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। तो एक इतनी इतनी सशक्त कहानी बच्चों के सामने आए, बच्चों के सामने अच्छे तरीके से आए, ये मेरा एक प्रयास था। और इसीलिए मैंने बच्चों के लिए एक ऐसे नायक को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जिनके अंदर वैल्यूज़ थी, जिनके अंदर वीरता थी, जिनके अंदर अपनी माँ के प्रति प्रेम था, माँ के प्रति आदर था, अपने देश के प्रति प्यार था। तो एक ऐसी कहानी मैंने बच्चों के सामने लाने का प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि बच्चे
मेरे बहुत सारे मित्रों ने इसे अपने बच्चों के लिए खरीदा और बच्चों ने इसका बहुत अच्छा प्रतिक्रिया भी दी कि उनको ये पढ़कर अच्छा लगा। तो इतना ही महानायक शिवाजी के विषय में। वैसे तो महानायक शिवाजी के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि शिवाजी कहीं ना कहीं शब्दों से एकदम परे हैं, परंतु अभी के लिए इतना ही। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बच्चे भी हमारे महानायक शिवाजी की तरीके से अच्छे गुणों को धारण करें। इसी के साथ नमस्कार।